हेलो एवरीवन, दिस इज तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई बहुत दिनों बाद फिर से आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज ऐसे थे कि मुझे आना पड़ गया क्यूसेट CUCET के क्वेश्चन को लेके। क्या है क्यूसेट? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्या होगा इसमें? JNU क्यूसेट के अकॉर्डिंग अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, और क्यूसेट में सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे यूनिवर्सिटीज अलॉट की जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी इस पे। सबसे पहले क्यूसेट जो है अब उसको NTA कंडक्ट करेगा। पहले भाई क्या होता था कि JNU अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करता था, DU अलग से कंडक्ट करता था, और बहुत सारी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करती थी, और आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे। अब वो चीज बिल्कुल नहीं रही है। एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है जिसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल रैंकिंग आएगा उसमें आप लेके जा सकते हो कि इस ये रैंकिंग के साथ मुझे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। रिमेंबर, सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की जो हैं वो इस क्यू सेट में नहीं आती हैं। ऑनली 12 यूनिवर्सिटीज इससे पहले थी, जैसे हरियाणा की यूनिवर्सिटी आ गई, पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई, आसाम यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार हो गया, जम्मू यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका मैं आपको अटैच भी कर दूंगा फॉर्मेट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं। इनमें अगर आप क्यू सेट में स्कोर करोगे तो आपको इन यूनिवर्सिटीज में से कुछ मिल पाएंगी। अब JNU का क्या स्टैंड है? JNU का जहां तक अभी रिसेंट एकेडमिक काउंसिल मीटिंग जो हुआ है उसमें जो JNU की फैकल्टी है उन्होंने यूनानिमसली एग्री किया है कि हम नेक्स्ट एग्जाम में क्यू सेट के लिए जाएंगे। मगर रिमेंबर, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन JNU की वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा नहीं आया कि 2022 या 23 का एग्जाम क्यू सेट के रिलेटेड ही होगा, क्यू सेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। अभी तक ऐसा ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया। जहां तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 2022-23 का एग्जाम जो है वो हम क्यू सेट के अकॉर्डिंग लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रेस का है, यहां से आप लोग देख सकते हैं JNU DU ने क्या क्या किया है, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये चीज भी अभी तक किसी को भी नहीं पता। आप र्यूमर में बिल्कुल भी मत जाना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है जिसमें बहुत सारे लोग पैटर्न बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जहां तक क्यू सेट के पैटर्न की बात देखा जाए तो JNU ने अभी तक कुछ भी लेआउट नहीं किया, ना ही कोई पैटर्न DU ने लेआउट किया है। मगर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यह पता चला कि राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो क्यू सेट के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कर रही थी। अब वो क्यू सेट क्या था, उसमें पैटर्न कैसा था, वो एक आपके लिए रेप्लिका हो सकता है कि वैसा हो सकता है क्यू सेट JNU DU और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अब आए, NTA वैसा ही चूज करे, बट वो श्योर नहीं है। बट क्या रिपेलका था वो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कैसा चल रहा था, वहां पे जो था 25% जो था वो एप्टीट्यूड या रीजन के क्वेश्चन आते थे, 75 क्वेश्चन जो थे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आते थे, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे। उसके बाद दो सेक्शन थी, 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, स्टूडेंट कह रहे थे कि क्यू सेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो क्यू सेट कंडक्ट करता था उसमें 0.25% जो था नेगेटिव मार्किंग था, इसलिए इसको इस चीज को बिल्कुल एक्सक्लूड मत करें, वो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मेरा सोच का था नेगेटिव मार्किंग होगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो NIRF रैंकिंग, हर साल जो है NIRF रैंकिंग आता है जिसमें बताया जाता है कि यूनिवर्सिटीज का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्या रैंक है। ऑब्वियसली JNU का रैंक टॉप है, उसके बाद DU का रैंक है, उसके बाद बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज का भी रैंक है। बट अगर आप लोग जितना अच्छा एग्जाम में स्कोर करोगे ऑब्वियसली उतने अच्छे रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी। इसीलिए जो लोग इस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या सर हम प्रिपेयर करें या ना करें, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्यू सेट लगेगा, पैटर्न चेंज होगा, किस तरह प्रिपेयर करें, वो लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। आप अपना प्रिपरेशन को जैसे कर रहे हो वैसे ही जारी रखो क्योंकि क्वेश्चन चेंज होने वाले नहीं है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के क्या ही क्वेश्चन चेंज होंगे, चाहे वो क्यू सेट हो या चाहे JNU DU या कोई और यूनिवर्सिटी अपना एक्सक्लूसिव एग्जाम ले रही हो, इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत आए, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि 12th के जो मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर भाई क्यू सेट ही ले रहे हैं तो 12th के एग्जाम के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, बट मेरा ये सजेशन है कि इसका ये मतलब नहीं है
कि हम 12th के एग्जाम को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दे, आप अच्छे से दो, प्रिपेयर करके दो, अच्छे मार्क्स लाओ। अच्छे मार्क्स लाए हुए किसी को भी बुरे नहीं लगते, वो एट द एंड ऑफ द डे आपके सीवी में ऐड होंगे, आपका एक डिफरेंट इंप्रेशन जाएगा, वो चीजों पे कंप्रोमाइज मत करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहा बीए के बारे में, बहुत लोग पूछे थे कि बीए का आप सिलेबस जेएनयू का कैसा होगा, बिल्कुल उस चीज के ऊपर अभी कुछ भी आउटलाइन नहीं आई है, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए फॉरेन लैंग्वेजेस नहीं है। जब भी बीए के सिलेबस या पैटर्न ऑफ एग्जाम पे जेएनयू की तरफ से ऑफिशियल आउटलाइन कुछ भी आता है तो डेफिनेटली आपका भाई यहां या आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चंस और क्वेरी जितनी आपकी थी मैंने क्लियर कर दिए। अपनी प्रिपरेशन को भाई खींच के रखो, दबा के, बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करो। अच्छा प्रिपेयर करोगे, अच्छी तरह से एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे, अच्छे रैंक लाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। बुरा प्रिपरेशन करोगे, कंफ्यूज रहोगे, डाउटफुल रहोगे, अपने आप से भी डाउट रहेगा और धोखा भी हो जाएगा लास्ट में। तो होपफुली आपके क्वेश्चन मैंने कुछ आंसर कर दिए हैं। अगर क्यू सेट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जरूर नीचे कमेंट में डेफिनेटली लिखें आप लोग, मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। बाकी चैनल को यहां तक अगर आए हो, वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, शेयर भी करना उन सब लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं पता है क्यू सेट में क्या क्या चीजें न्यू हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।